हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 14 मार्च 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग काफ़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जहां पर राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट की जर्सी, इसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रैक्टिस और इसके साथ ही अनअवेलेबल प्लेयर्स, बहुत सारी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमारे पास हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स और उनके साथ ही लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम की तरफ से, जहां पर राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ की टीम आप लोगों को आने वाले वीक के अंदर अपनी जर्सी को लॉन्च करते हुए नजर आएगी। इस बात को क्रिकबज ने कंफर्म कर दिया है, तो ऑब्वियसली बात है इस हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को इनकी जर्सी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि ये दोनों ही टीमें आप लोगों को आज ही अपनी जर्सी रिलीज करते हुए भी नजर आ सकती हैं। खासकर जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है, उनकी जर्सी आप लोगों को आज भी आउट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर इनकी जर्सी आउट होती है तो वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता देंगे। आप में से जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ऐसी छोटी छोटी जो अपडेट्स होती हैं वो हम आपको इंस्टेंटली, जिनके बारे में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता तो टेलीग्राम पर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारी आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि केकेआर की टीम ने अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया था, और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की जो प्रैक्टिस वाली जर्सी होती है, जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो हमने आपको राजस्थान रॉयल्स वाली हैप्पी लो की जर्सी भी दिखाई थी, तो वो केकेआर की भी हमारे सामने निकल कर आ चुकी है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये विंजो के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो इस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की जो एक्चुअल जर्सी होगी वो भी इसी तरीके के कलर पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है केएल राहुल, जो कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम के कैप्टन हैं। उनकी जो फिटनेस है उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हमें देखने को मिले थे, जिसके चलते अभी जो करेंटली ऑनगोइंग मैचेस थे उनको भी वो स्किप कर रहे हैं। और गाइस केएल राहुल को एक योयो टेस्ट भी गुजरना था, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट और बीसीसीआई के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपकी स्प्रिंटिंग की स्पीड क्या है, इसके साथ ही बहुत सारी मेडिकल चीज़ें आप लोगों के सामने रखी जाती हैं। तो ये टेस्ट केएल राहुल का भी किया गया था, ताकि वो आईपीएल से पहले चेक किया जाए कि वो फिट भी हैं या फिर नहीं। तो केएल राहुल ने योयो टेस्ट को पास कर लिया है, और इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से फिट हैं, अवेलेबल हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में खेलने के लिए। तो बड़ी राहत की सांस लखनऊ की टीम ने ली होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो कि ऑलरेडी इन समस्याओं से जूझ रही हैं कि उनके प्लेयर या तो अनअवेलेबल हैं या तो वो पुल आउट कर रहे हैं। तो ऐसे में केएल राहुल जैसे बड़े प्लेयर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है कल हुए भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मुकाबले में। और जैसा कि हमने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि ये पिच ऐसी लग नहीं रही है जिसमें हम लोगों को 3 दिन से ज़्यादा ही टेस्ट मुकाबला जाते हुए देखने को मिलेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जहां पर भारतीय टीम ने बहुत ही आसानी से श्रीलंका की टीम को तीसरे ही दिन 238 रन से हरा दिया, और इसके साथ ही भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम का भी क्लीन स्वीप कर दिया है। 2-0 से हम लोग इस सीरीज को भी जीत चुके हैं। और रोहित शर्मा का, जैसा आप लोग जानते हैं, बिल्कुल उनका गोल्डन पीरियड चल रहा है। 14th उनका ये मुकाबला है जो कि वो लगातार जीत चुके हैं अपनी कैप्टनसी में। जब से रेगुलर कैप्टन बने हैं तब से एक भी मैच ये नहीं हारे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहे जितना लंबा चल सकता है। पहले न्यूजीलैंड की टीम को रोहित ने हराया, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराया, और अब श्रीलंका की टीम को भी हरा चुके हैं। तो आईपीएल में उस कॉन्फिडेंस के साथ ही उतरेंगे कि अपने पीछे कैप्टनसी का जो भारतीय टीम की इंटरनेशनल रिकॉर्ड है, इनकी कैप्टनसी के अंदर वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है। कमेंट करके आप लोग बताइए रोहित शर्मा की कैप्टनसी को आप लोग 10 में से कितने मार्क्स देना चाहोगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट, और ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि ये खुलासा किया गया है इनसाइड स्पोर्ट्स के द्वारा, जहां पर इनसाइड स्पोर्ट्स के द्वारा एक लंबी चौड़ी लिस्ट प्रोवाइड की गई है, जिस लिस्ट में इन्होंने क्लेम किया है कि ये जो सारे प्लेयर्स हैं ये आपको आईपीएल का कुछ ना कुछ पार्ट स्किप करते हुए जरूर नजर आएंगे। अब कुछ ना कुछ से मेरा मतलब है कि हो सकता है ये एक मैच स्किप करें, हो सकता है इनमें से कुछ प्लेयर्स 3 मुकाबले स्किप करें, हो सकता है कोई 4, 5, 6 मुकाबले भी स्किप कर जाए। तो इतनी लंबी चौड़ी ये लिस्ट है, तो ऐसे में ये बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं काफी, क्योंकि अगर ये वैलिड नहीं हुआ तो फिर इस वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा आप लोग इस चीज को बोल सकते हो कि इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन इनके लिस्ट में आपको बता देता हूं, जहां पर इनके अकॉर्डिंग चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में ड्वेन प्रिटोरियस आईपीएल के कुछ मुकाबले स्किप करेंगे, मुंबई इंडियंस से जोफ्रा आर्चर, कोलकाता नाइट राइडर्स से पैट कमिंस और एरन फिंच, राजस्थान रॉयल्स की टीम से रसी वान डर डसन, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से मार्को जेनसन, सीन एबर्ट और एडन मक्रम, दिल्ली कैपिटल्स की टीम से डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, हेनरिक नोकिया, मुस्तफिजुर रहमान, लुंग
एंगी एंगीडी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से जेसन बेहेंड्रॉफ, क्लेन मैक्सवेल, जॉस हेजलवुड, पंजाब किंग्स की टीम से जॉनी बेरिस्टो, कगिसो अबाडा, नेथन एलिस, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से मार्कस टॉयनिस, जेसन होल्डर, काइल मेयर्स, उनके साथ ही मार्क वुड, क्विंटन डिकॉक और गुजरात टाइटंस की टीम से डेविड मिलर और अल्जारी जोसेफ, ये सारे प्लेयर्स आप लोगों को कुछ ना कुछ मुकाबले ज़रूर स्किप करते हुए नजर आएंगे। तो ये अब कितने कैसे मुकाबले स्किप करेंगे वो तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। फिलहाल गाइज हम बढ़ते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से। फाफ डु प्लेसी, उनका एक इंटरव्यू आया है मिस्टर नैक्स के साथ, आप लोग जानते होंगे मिस्टर नैक्स को पीस वाले, तो उनके जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने, वैसे तो ज़्यादातर बातें मजाक वाली होती हैं, आप लोग नैक्स को जानते हैं वो किस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन कुछ सीरियस बातें भी फाफ डु प्लेसी ने वहां पर बोली जो कि मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आरसीबी की टीम ने उनके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट किया है, तो आरसीबी को अपना पहला टाइटल जिताने के लिए वो अपना पूरा 100% देंगे जितना उनके पास है, वट एवर। उन्होंने कहा कि जो भी उनके पास जितना उनकी कैपेबिलिटी के अंदर है वो पूरा दे देंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि विराट कोहली हमेशा उनके लिए लीडर रहेंगे टीम के अंदर और विराट कोहली से वो काफ़ी हेल्प लेंगे। डोमेस्टिक जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी भारतीय प्लेयर्स खासकर आरसीबी के कैंप में हैं, ऑब्वियसली बात है अब विराट कोहली उनको कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं फाफ डु प्लेसी के कंपैरिजन में। तो उन्होंने कहा कि वो कंपैटिबिलिटी उनके और विराट के बीच में हमेशा रहेगी लीडरशिप को लेकर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट जो कि दीपक चाहर के रिगार्डिंग। आप में से काफ़ी सारे का क्वेश्चन था कल वाली वीडियो में भी, आप लोगों ने काफी कमेंट्स किए थे कि दीपक चाहर की जो फिटनेस है उसको लेकर क्या हमारे सामने स्टेटस है, क्या वो फिट हैं, कब से वो खेलेंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स के जो सीईओ हैं उन्होंने अब ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया, यानी कि उन्होंने खुद ही बता दिया है कि जितने रूमर्स हो रहे हैं उनको आप साइड में रखो, हम खुद ही इसके बारे में बात करते हैं। और सीएसके के सीईओ ने स्टेटमेंट दी है कि दीपक चाहर की फिटनेस के बारे में वो खुद ही श्योर नहीं है और ना ही उनको कोई भी बात बीसीसीआई के द्वारा और एनसीए के द्वारा बताई गई है। अब ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, दीपक चाहर आपके टीम का सबसे महंगा प्लेयर है जिसको आपने बहुत ही बड़े प्राइस में खरीदा है और उसकी फिटनेस के बारे में आप लोगों को कोई भी क्लैरिटी नहीं है। पहले कहा गया था कि वो मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस को स्किप करेंगे, बाद में कहा गया था कि वो मिड अप्रैल में वापस आएंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं आईपीएल के स्टार्ट होने से 2 वीक पहले कि इनको खुद भी नहीं पता कि वो कब आएंगे। तो ऐसे में क्वेश्चन मार्क तो है दीपक चाहर के ऊपर, लेकिन आप लोग अगर सीएसके के फैंस हो तो एक तरीके से आप ये मान के चलो कि आधा आईपीएल तो वो मिनिमम स्किप करने ही वाले हैं, उसके बाद अब मेजॉरिटी का क्या मतलब है इसके लिए आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट की वेट करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, जहां पर एमआई की टीम के रिगार्डिंग जॉफ्रा आर्चर की जॉइनिंग को लेकर काफी सारे जो न्यूज सोर्सेज है वो क्लेम कर रहे हैं कि शायद ये इस आईपीएल में वापस आ जाएं, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम ने भी कल फाइनली क्लियर कर दिया इन रूमर्स के ऊपर, फुल स्टॉप लगा दिया है कि जॉफ्रा आर्चर आईपीएल 2020 में नहीं आने वाले। वो जो नेट्स वगैरह की फोटोज हैं वो उनके जो रिहैब की प्रोसेस होती है उसका एक हिस्सा है जो कि हम आपको पास्ट में बता चुके हैं। तो जॉफ्रा आर्चर 2023 से ही आएंगे, लेकिन डेनियल सैम्स जो इनके प्लेयर हैं वो मुंबई इंडियंस की टीम के साथ जुड़ चुके हैं। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके आप लोग बताइए और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।